इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल यो बागों में बहार है, आज सोमवार है, खाने में गुआर है, तुमको मुझसे प्यार है। ऐसा नहीं, फोन बजा। क्या? नहीं नहीं मत करना। हेलो हेलो हंसा भाभी, जय श्री। हेलो जय श्री। हाँ मेरा भाई, तेरे फोन क्यों नहीं किया अभी तक? ओ चौकी का फैंसी ड्रेस है आज। पहले मेरी गॉसिप सुनिए। गॉसिप? वो राधा बहन की बेटी है ना, वो माँ बनने वाली है। अच्छा फैंसी ड्रेस में? मुझे तो भंगार आइडिया लगा जय श्री। अरे नहीं नहीं सचमुच कुमारी माँ, राधा बहन तो एकदम पागल होने वाली है। हाँ, तो राधा बहन के जीतने के बहुत चांसेस है जयश्री, क्योंकि फैंसी ड्रेस में पागल होना वो सेल्फ पैक आइडिया है। और खबर क्या है जयश्री? खबर में तो हाँ बड़ी बहन, व्हाई इज इट गॉट टू बी? हाँ जयश्री बहन, आप दोनों ऐसे एक दूसरे के सामने खड़े के मोबाइल पे क्यों बात कर रही है? क्योंकि हम अमीर हो गए हिमांशु। और फिर हिमांशु, हंसा के मोबाइल में जेसी भाभी का नंबर फ्री है, अगर दोनों सीधे सीधे बात करेंगे तो फ्री नंबर बर्बाद नहीं हो जाएगा? ए, वो है हो। ए, तो मेरे नंबर पे परमिंदर का नंबर भी फ्री है। ए, तो तू कर ना उसे फोन कर। वो बाहर गई है ना, घर आने दो, पीछे पूरा दिन मोबाइल पे बात करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा। जैसी बहन, ये वो बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए हिपोटेक कार चाहिए थी ना, उसकी किताब। हाय लॉर्ड, ये तो वर्ल्ड बेस्ट है हिमांशु। बाबूजी देखिए देखिए। दिखा दिखा। हम तो यही इंपोर्टेड गाड़ी खरीदेंगे हिमांशु। इंपोर्टेड गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है, हमारे पास जो इंडियन गाड़ी है उसमें क्या बुराई है? वो इंडियन है, हमारी शोभा नहीं बढ़ाती, उसे हम भंगार वाले को दे देंगे। इंडियन तो मैं भी हूँ, तो मुझे भी क्या भंगार में दे देगी? वो तो भंगार वाले को पूछना पड़ेगा कि वो खाली गाड़ी लेता है या ड्राइवर के साथ। जय श्री बेन। सब अपने अपने हाथ ऊपर करना, सबके नाम बोलेगा ये बोल। जय श्री बेन, हिमांशु, बाबूजी, प्रफुल भैया और हंसा भाभी, मुझे लगता है कि बाथरूम का दरवाजा टूट गया है। इसके हाथ में है दरवाजा, सबको दिखता है, लेकिन इस मोर को लगता है इसे दे देना चाहिए भंगार वाले को फ्री में गाड़ी के साथ। दे दे। आपने इंपोर्टेड गाड़ी के बारे में पता करने के लिए कहा था ना? हाँ। ये देखिए। हाय गॉड, राजू ये भी वर्ल्ड बेस्ट गाड़ी है, कितने की होगी? 20 लाख की होगी। 20 लाख? अरे 20 लाख के तो सिर्फ इसके दरवाजे होंगे। अच्छा, तो प्रफुल आप जाके खरीद लाइए ना, अपने बाथरूम का दरवाजा टूट गया है, वहां लगा देंगे ना। क्यों हिमांशु? मैं हौसा। हाँ तो ठीक हिमांशु, हम लोग यही गाड़ी खरीदेंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे तो इसी इंपोर्टेड गाड़ी में जाएंगे। भगवान जय हो जय गाड़ी नहीं उसकी गाड़ी नहीं, चल जाएंगे देख के पड़ोसी का ही। जय हो जय हो बोलो श्री नई इंपोर्टेड गाड़ी की। गाड़ी कहते हैं? हाँ तो बाबूजी पता है कि इसे ही गाड़ी कहते हैं। आप इसे दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि आपने अभी अभी ढूंढ निकाला है। देखिए ये ड्राइवर मैं लिया, अभी मैं लिया। ये ड्राइवर है? कपड़े और शक्ल से ये जोकर नहीं दिखता। लो बाबूजी, जब इतना साफ नजर आ रहा है कि ये जोकर है, करने निकले।
ये समझ में नहीं आता कि ये जोकर है, जोकर। सा ज्ञान की देवी, मैंने इसलिए पूछा कि ये जोकर दिखता है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पति परमेश्वर ने कहा कि ये ड्राइवर है। क्यों भाई, गाड़ी चलानी आती है? कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, लेकिन बाबूली ये तीन गेंद दोनों हाथों में लेकर यू 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 करके घुमा सकते हैं, एक भी गेंद नीचे जमीन पर गिराए बगैर, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? यू 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 बाबूली, यू यू यू। तो क्या बाबूली, तो क्या, यू यू बाबूली, यू यू। गाड़ी भी यू ही चलाते है ना, ये आपको पता है कि ये भी मुझे भी नहीं आता। ओके, जा भी जा, तू जा यहाँ से, जा। बाय 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 बाय। एक मिनट एक मिनट, अरे आ गई वो रंबा भाव मारू। अब आप लोग झगड़ना बंद कीजिए और चेहरे पर ऐसे अभिमान के एक्सप्रेशन लाइए। जयसिंह, इसे अभिमान का एक्सप्रेशन कैसे लाते हैं? हाँ बड़ी बहन, ऐसे। ये तो किसी ने चिमटी काटी ना, ऐसा एक्सप्रेशन है। देखिए हंसा भाभी, आप टीवी सीरियल में बोलते हैं ना, ऐसा आपने मन में बोलिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं। नहीं नहीं जयश्री, मैं अपने मन में ना अभिमान लाने के लिए सिर्फ बोल सकती हूँ, मेरे पति प्रफुल्ल है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हम अभिमान कर रहे हैं। ओ, मुझे लगा कि तुम लोगों की मुंडी अकड़ गई। रंबा, मुंडी तो तेरी अकड़ जाएगी जब तू हमारी नई गाड़ी देखकर ऐसा बोलेगी, ये देख हमारी नई इंपोर्टेड BMW। ये BMW वाले खटारा बनाने कब से लग गए? पता नहीं, ये BMW नहीं, ये BMW ही है। अच्छा, BMW का मतलब भी पता है? हाँ हाँ पता है, BMW बहुत महंगी वाली गाड़ी। हो गया पचका, चल चल अब जल्दी पते की बात बता और चलती बात बोल, काम क्या है? मैंने अपने बेटे आदित्य की बर्थडे की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी जिसमें अच्छे अच्छे घरों के बच्चों को बुलाया है और कुछ जैकी चक्की जैसे बच्चों को भी। अरे वाह, क्या अरे वाह, कहाँ है पार्टी? हमारे खास खुद के अपने आइलैंड पर। आइलैंड मतलब? मैं समझाती हूँ। आइलैंड मतलब ऐसी जगह जिसके आसपास चारों तरफ पानी रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब तूने पार्टी ऐसे बाथरूम में रखी है। एक्सक्यूज मी, पर पहले छींक तो ले, ऐसे क्या पहले से ही ऐसे एक्सक्यूज मी बोल रही है? इसे तो मैनर्स भी नहीं आती जोश्री। कुछ नहीं आता। मैनर्स तो आपको नहीं, घर आए मेहमान को चाय तक का नहीं पूछा। पर हम तुझे क्यों पूछेंगे कि तुझे चाय बनानी आती है कि नहीं? जैकी और चक्की को भेज देना, वो भी ढंग के कपड़े पहनाकर। बाय 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 बाय। हंसा भाभी, अब अगर जैकी चक्की बड़ी स्टाइल से रंबा की पार्टी में नहीं गए तो ये तो आज कौन गया? तो पानी में डूब जाएंगे भावेश कुमार। अरे सोचो सोचो, जैकी चक्की रंबा की पार्टी में रईस लोगों की तरह सबको चकाचम कैसे करेंगे, उसके बारे में कुछ सोचो। हाँ जैसी बहन, हाँ बच्चे लोग सोने के कपड़े पहन के जाए तो आई 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 आई, मतलब नाइट ड्रेस। हाँ जीत जाती, सोने के मतलब गोल्ड के गोल्ड, पीछे बटन की जगह हीरे लगा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे वाह, क्या वाह, किसी ने रास्ते में बच्चों के कपड़े चुरा लिए तो बच्चों का सेम सेम हो जाएगा। अब वो है,
जय श्री बेन, हिमांशु। चल चल चल, फटाफट बोल, फटाफट बोल जिग्नेश, हम सबको सबके नाम मालूम है। ए, मुझे भी हो। ओके। तो मुझे लगता है कि जैकी और चक्की को रंभा की पार्टी में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सारे लोग चक्का और चौन दोनों हो जाए। हिमांशु, इसे अब लगता है। और हे, हम लोग आधे घंटे से सोच रहे हैं और तुझे अब लगता है बोर? रुको। चलो चलो, सोचो, सब लोग सोचो, हंसा भाभी के सिवा। हाँ, जयश्री, नहीं तो मैं तुझे अब भी पकड़ने वाली थी। तू ऐसे बिंदास मुझे सोचने के लिए कह रही है? जयश्री भाभी, एक आइडिया है। मेरा एक रईस दोस्त है जितेश, वो हमें अच्छी तरह बता सकता है कि रईस लोगों को चका और चौन दोनों करने के लिए क्या किया जाता है। वो अरबपति है। जीतेश की बीवी तो गुजराती है, तो अरबपति कैसे हो गया है? जय श्री बेन। तू चुप मत। प्रफुल भैया, आप जीतेश को फोन करके पूछिए, मैं नंबर ला के देती हूँ, लीजिए। जैसी मम्मी, मुझे उसका नंबर पता है। हाँ? वो मुझे हर रोज फोन करता है। अरे तो उसे आपका नंबर याद हुआ, आपको उसका थोड़ी। हाँ, लेकिन भावेश कुमार, मैं उसे फोन करके मेरा नंबर बताऊंगा ना। अगर सामने जीतेश होगा तो मेरा नंबर पहचान के मेरे साथ बात करेगा, और अगर जीतेश नहीं होगा तो। ऐसे जीजा जी की इंटेलिजेंस देख के तुम्हें से तुम तन हो रही थी ना। मैंने देखा। तो मैं क्या करूं हिमांशु, मेरे प्रफुल्ल ऐसे संपर्क संपर्क सुझाव देते तो मैं तुम तन न हूं। आप कीजिए, फोन कीजिए जितेश को। हाँ, जय श्री बेन। मैं बच्चों की मदद लेती हूँ, शायद इंटरनेट पे कुछ मिल जाए। प्रफुल, इंटरनेट मतलब? नहीं नहीं प्रफुल चाचा, इंटरनेट मतलब टेनिस गेम की गलत सर्विस नहीं। अच्छा, मतलब अब तू मुझे सिखाएगा? हा? अरे टेनिस का खिलाड़ी जब बैटिंग करता है और बॉल नेट में जाता है तो अंपायर जोर से चिल्लाता नहीं? इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट। अरे बापू, ये अपने छोटे बापू तो कंप्यूटर चालू करके सर्च में गए थे, सर्च में। तू कब से ऐसे कुछ भी बोलने लगा? अगर जैकी सर्च में कंप्यूटर के अंदर जाता तो अभी बाहर कैसे निकलता हम? अबड़ी बहन, सर्च मतलब आप जो बोलती है ना कि मेरे प्रफुल्ल महान है, वो वाला नहीं, ये तो सर्च सर्च बीच में आर है। आर 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 फॉर डोसा। हिमांशु, डी फॉर डोसा, आर फॉर डोसा नहीं। लेकिन मैं रवा डोसा की बात कर रहा हूँ ना। वो जो भी है बाबूजी, हमने इंटरनेट के जरिए पता कर लिया है कि रईस लोग सबको चकाचौंध कैसे करते हैं। बाबूजी, हमने तय कर लिया है कि जैकी और चक्की रंभा की पार्टी में किस तरह जाएंगे। अरे ऐसे झूठ मूठ का दिखावा करने की क्या जरूरत है जयश्री, हमारे बच्चों की अकलमंदी पार्टी में सबको चकाचौंध कर देगी। कितने होशियार है वे। क्या तंबूरा होशियार है? बाबूजी, ये चक्की की बात और है, लेकिन ये जैकी, ये तो डो है डो मैथ्स में। लेकिन ये तो मैथ्स में फर्स्ट आता है ना। हाँ। अरे वो तो सीधे साधे गणित में बाबूजी, जैसे दो और दो चार और ये सब। मैं मेन मैथ्स की बात कर रही हूँ। मेन मैथ्स? देखिए देखिए जैकी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के कितने एपिसोड हुए? 500। देखा देखा बाबूजी देखा, जबकि 800 एपिसोड हुए, 800, कितना ज्यादा फर्क है। और आप कहते कि मैथ्स में पक्का है। जयश्री, तू बाबूजी की बात मत सुन, वो तो कुछ भी बोलते हैं। ए, उस दिन कह रहे थे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तू जा अपना प्लेन मंगवा ले। प्लेन मंगवा।
करवाने वाले हैं। अरे लेकिन पेन खरीदना कितना पागलपन है जयश्री। क्या पागलपन क्या बाबूजी? अरे आजकल तो सब रईस लोग अपना खुद का चार्टर प्लेन रखते हैं बाबूजी। हाँ, तो हम अगर चार्टर्ड प्लेन नहीं ले सकते तो हम एक टर्ड प्लेन तो ले ही सकते हैं बाबूजी। अरे लेकिन बस 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 बाबूजी बस, हम प्लेन खरीद रहे हैं, हो गया फैसला। थोड़ा इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन बाबूजी ये प्लेन एक नवाब का था। उसने बेच क्यों दिया? क्योंकि बाबूजी वो नवाब इसी प्लेन के एक्सीडेंट में मर गए है ना। अरे बाबूजी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि नवाब कौन और प्लेन कौन ऐसे पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन हंसा बाबी अब ये प्लेन ठीक हो गया है, इसे अब पता चलता है। आइए ये बता दे, ये देखिए ये सीट, ये पंख, ये टायर, बाबूजी ये सब प्लेन है। हाँ जी जी बहन, हाँ बापू, यहाँ बाबूजी आइए आइए ना। ये प्लेन का नाक है ना, इसमें थोड़ा सा नवाब मिक्स हो गया है, वो रवे में मैदा हो जाता है ना वैसे, इसलिए नाक को देख के नवाब कौन सा है प्लेन कौन सा है ये किसी को पता नहीं चलेगा। अरे बाबूजी बाबूजी फिर हम शान से ये भी तो कह पाएंगे कि हमारे प्लेन की नवाबी नाक है, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अरे लेकिन बेवकूफ ये प्लेन उड़ाएगा कौन? बाबूजी मैं हूँ ना, मैंने सीख लिया है और देखिए बाबूजी मैंने पीठ पे लगा भी लिया है, देखिए ये क्या है? पैराशूट। बाबूजी अगर ये प्लेन क्रैश हुआ तो पैराशूट से नीचे कैसे कूदते हैं वो मैंने सीख लिया है। अगर प्लेन उड़ाना नहीं सीखे बाबूजी, प्लेन उड़ाना सीखना तो 3 महीने का काम है तो, और बच्चों को तो रंपा की पार्टी में कॉलेज जाना है। गोगे। सुना जयश्री, और तू चाहती है कि मैं बच्चों को इस प्लेन में भेजूं जिसे प्रफुल्ल उड़ा रहा हो? दादाजी आप बेफिक्र रहिए, हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि उड़ना तो दूर, ये प्लेन शायद चलेगा भी नहीं। क्यों क्यों? प्रफुल्ल चाचा। अरे प्रफुल्ल कहते इस प्लेन के पीछे तूने कितने पैसे उड़ाए? बाबूजी प्लेन उड़ाया जाता है, प्लेन पैसे नहीं। हाँ हाँ लेकिन इस किस्से में तो पैसे ही उड़ाए हैं क्योंकि ये प्लेन तो उड़ेगा नहीं। एक बार धक्का मार के ट्राई तो करते हैं बाबूजी, मारिए धक्का मारिए। अरे प्रफुल्ल गधे, ये हमारी पुरानी मोटर नहीं है कि धक्का मारने से चलेगी, ये प्लेन तो चलेगा भी नहीं क्योंकि ना इसमें इंजन है ना मोटर। ओह माय गॉड, बाबूजी आप भी इस प्लेन वाले की तरह फालतू बकवास करने लगे। वो भी मुझे यही कह रहा था कि इस प्लेन का मोटर और इंजन दोनों रिपेयर करवाने पड़ेंगे। मैंने क्या किया? तो मैंने उसे समझाया कि भाई प्लेन वाले ये प्लेन है ट्रेन नहीं है, हमें इंजन की कोई जरूरत नहीं है, तुम निकाल दो मोटर। बाबूजी जब हमने अपना खुद का प्लेन खरीद लिया है तब हमें मोटर कर की क्या जरूरत है? अरे प्रफुल्ल गधे, ये वो मोटर नहीं है, मैं जिस मोटर की बात कर रहा हूँ वो और है। बस बस अब शांत रहिए, चुप रहिए, धक्के मारिए, धक्के मारिए प्लेन को। अरे जोर से। पहले हमारे कंपाउंड में गाड़ी खड़ी रहती थी जिससे हम धक्के मारते थे, लेकिन अब हमारी तरक्की हो गई है, अब हमारे कंपाउंड में प्लेन खड़ा रहेगा जो धक्के मारने पर भी नहीं चलेगा। बोलना ही पड़ेगा तो कुछ देर किस बात की, चल बोलते हैं। बड़े लोग बड़े लोग। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल यो बॉल।